दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी टाइपिंग सीखेंगे, वो भी कृति देव हिंदी फॉन्ट पर। और मैं आपको बता दूं कि कृति देव हिंदी फॉन्ट हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे बेस्ट और बहुत ही यूजफुल सिस्टम है। अगर आप ये सीख गए तो किसी भी शब्द को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और तुरंत लिख सकते हैं, अब वो चाहे कितना भी कठिन शब्द हो। देखिये, हिंदी टाइपिंग करने के लिए और भी कई तरीके हैं जिसके थ्रू हिंदी टाइपिंग किया जाता है, जैसे वॉइस टाइपिंग हो गया, या फिर कुछ लोग हिंदी टाइपिंग करने के लिए गूगल इनपुट टूल का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। और उसमें कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि लिखने में बहुत दिक्कत होती है, और कई ऐसे एग्जाम्स भी होते हैं जिसमें हिंदी टाइपिंग की डिमांड होती है, वहां पर भी हिंदी टाइपिंग के लिए सबसे ज्यादा कृति देव हिंदी फॉन्ट की डिमांड की जाती है। मंगल फॉन्ट की बहुत कम डिमांड होती है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में ये इच्छा है कि मैं कृति देव हिंदी फॉन्ट पर टाइपिंग करना सीखना चाहता हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस वीडियो के बारे में थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं या फिर इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो दोनों कंडीशन में आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा। बस आपको धैर्य बनाए रखना है और आपको यह सोचकर इस वीडियो को देखना है कि मुझे इससे कुछ नया सीखना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसके आगे की कहानी क्या है। तो अगर आप एमएस वर्ड पर हिंदी टाइपिंग करना सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। आपको कोई सा भी ऑफिस हो, ऑफिस 2007, 2013, 2019, कोई सा भी ऑफिस हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, इसके अंदर हम कुछ सेटिंग है उसको करके देख लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है, आ सकती है, ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आ सकता है, उसके लिए कुछ समस्या आपके सामने आ सकती है, वो कुछ वर्ड भी गलत हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन टाइप में आना है और देखिए एक इस तरीके से विंडो ओपन होगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रूफिंग टूल में आना है, और यहाँ पर देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद फिर देखिए एक नया बॉक्स खुल करके आ जाएगा, यहाँ से आपको सारे चेक मार्क को हटा देना है। यहाँ से हम सभी को हटाते हुए चले जाएंगे, यहाँ से इससे सारे को हटाते हुए, यहाँ से इसके बाद इस टैब में भी देख लेते हैं, सारे को हटाते हुए आपको चले जाना है यहाँ से। ये सारे जितने भी हैं आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, जितने भी हैं सभी को आपको चेक करके और इसके बाद में आपको हटा देना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ऑटो फॉर्मेट है, इसके बाद फिर मैथ ऑटो करेक्ट है, इसके बाद फिर यहाँ पर एक्शन है, जितने भी चीज़ हैं सभी से आपको चेक के जो बॉक्स हैं वहाँ से सबको हटा देना है, सबको अनचेक कर देना है। यहाँ पर आप ये सब सारी चीज़ें देख सकते हैं और चेक कर लीजिए कहीं पर चेक तो नहीं है, अगर है तो उसे आप अनचेक कर लें, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप सभी को अनचेक कर दीजिए। खैर, हमारे में सब कुछ अप्लाई हो चुका है, अभी एक बचा हुआ, यहाँ से भी आप इसे अनचेक कर दें, यहाँ से भी आपको सभी चीज़ों को अनचेक कर देना है। अब देखिए, ये ऐसा इसलिए होता है, इसको ऐसा ये करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई ऐसे शब्द होते हैं जो कि वो ऑटो करेक्ट हो जाते हैं, लेकिन वो हमारे हिसाब से वो शब्द गलत हो जाता है, तो इसीलिए वो प्रॉब्लम ना है, तो इसलिए इस चीज़ को जो है इसे सही करने के लिए यहाँ से ये सारे ऑप्शन को यहां से डिसेबल कर दिया गया है। इसके बाद फिर आप यहां से इसे आप ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, फिर इसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए ये सेटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप पर देखिए, हमारे डेस्कटॉप पर एक ये फाइल है, आपको क्या है कि ये डिस्क्रिप्शन में आपको इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके मात्र दो क्लिक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा है ना कि जो ये फाइल है ये रार फाइल में है और इसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, अपने क्रोम ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर इसके सर्च बार में हम लिखेंगे WinRAR लिख करके और इसके बाद इंटर बटन पर करेंगे। देखिए पहली वाली वेबसाइट खुलेगी, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया वेबसाइट इसका खुल करके आ जाएगा, एक नया वेबसाइट यहाँ पर इसका खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको एक डाउनलोड का बटन दिखेगा, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से देखिए कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक 32 बिट के लिए सॉफ्टवेयर है, एक 64 बिट के लिए सॉफ्टवेयर है, आप कौन सा डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको अपने डेस्कटॉप में आना है और दिस पीसी पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी बटन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आप देख सकते हैं 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, बस आपको क्या करना है, यहां पर आप इसे क्लोज कर दीजिए, अपने वापस इसी सॉफ्टवेयर में आ जाइए और 32 बिट वाला सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही जल्दी डाउनलोड हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये सॉफ्टवेयर फाइनली मेरा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर हम जैसे ही क्लिक करेंगे
है। तो देखिए कुछ इस तरीके से प्रोग्राम खुलेगा, और इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आएगा और इंस्टॉल पर क्लिक कर दीजिए, कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए, डन कर दीजिए। सॉफ्टवेयर हमारा फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, ब्राउज़र का काम ख़त्म हो चुका है, इसे भी आप क्लोज कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर है ना, इसका जो आइकन है वो चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद फिर देखिए ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, एक्सट्रैक्ट टू कुर्तीदेव हिंदी फॉन्ट बेसिक। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर एक नया फोल्डर जनरेट हो जाएगा। और देखिए जैसे ये फोल्डर जनरेट होगा, इसे हम ओपन करेंगे, फिर से ओपन करेंगे तो देखिए बहुत सारी फाइल हैं, फॉन्ट है, जो कि आप इससे क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए बटन को प्रेस करिए, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फिर इसके ऊपर हम राइट क्लिक जैसे करेंगे, इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। देखिए ऐसा है ना कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये फॉन्ट पहले से ही ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये जो मैसेज है यहाँ पर आपको शो कर देगा कि हाँ ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही ये फॉन्ट ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो खैर हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे, लेकिन जब आप करेंगे, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा तो इस तरीके का एरर मैसेज नहीं आएगा। खैर हम इसे यहाँ से चेक करके और यस बटन पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद फिर देखिए ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा और ये रीइंस्टॉल हो रहा है। इसमें ऐसा होता है ना कि पहले अनइंस्टॉल होकर के फिर दोबारा ये रीइंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें कुछ प्रोसीजर होता है। अब हम चलिए इसके कीबोर्ड लेआउट को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा होता है ना कि जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये चीज़ को समझिएगा थोड़ा गौर से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिक सेक्शन दिखेगा जहाँ से आप नंबर्स को टाइप कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए जो अल्फ़ाबेट की है इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिक सेक्शन आपको दिखेगा, जो कि यहाँ से भी आप नंबर टाइप कर सकते हैं। लेकिन कुर्तीदेव हिंदी फॉन्ट के मामले में यहाँ पर इसका काम और इसका काम अलग अलग हो सकता है। चलिए इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि लड से हमें कोई ऐसा शब्द लिखना है जो कि ये अल्फ़ाबेट की से जो नहीं बनता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए और हमें इसमें से कुछ की को प्रेस करना होता है। जैसे कि चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं और इसके बाद में फिर कुर्तीदेव फॉन्ट पर इसे लगा लेते हैं। और जैसे हमें लिखना है बड़ा ऊ, इसके लिए हम क्या करेंगे, अल्टर बटन को होल्ड रखेंगे, 0197 लिखेंगे तो देखिए बड़ाऊ लिख गया है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, अगर आप अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए 0197 ऊपर वाले जो यहाँ पर जो आपको ये वाला जो न्यूमेरिक सेक्शन है, यहाँ पर ये वाला जो न्यूमेरिक सेक्शन है, इससे अगर आप अल्टर बटन को होल्ड करते हुए अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अल्टर बटन को होल्ड रखना है और यहाँ से की को प्रेस करना है, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ प्रॉपर समझ में आ चुका होगा। अब चलिए इसे हम क्लोज कर देते हैं और आगे चलिए शुरू करते हैं सीखने का, यहाँ पर आपको क्या क्या सीखना है चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, हमने शुरुआत में एक चीज़ बात किया था कि जो हिंदी टाइपिंग है, कुर्तीदेव हिंदी टाइपिंग है, ये अगर आप सीख गए तो इसके थ्रू आप किसी भी शब्द को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इस बात को हम प्रूफ भी कर लेते हैं। तो देखिए ऐसा है कि जैसे हम कोई भी शब्द लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं नाम लिखना है, तो ये आसानी से लिख गया, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप परीक्षार्थी शब्द को लिखते हैं तो ये भी बहुत ही आसानी से, ये शब्द को आप आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे उनको अगर ये टाइपिंग नहीं आती है, इसके बारे में अगर उनको नॉलेज नहीं है, तो क्या होता है इस कंडीशन में, चलिए बात कर लेते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि गूगल इनपुट टूल का यूज करते हैं, तो गूगल इनपुट टूल को अप्लाई करके और इसके बाद फिर हम इसे टाइपिंग करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि नाम लिखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम आसानी से लिख गया है। लेकिन यहाँ पर अगर हमें परीक्षार्थी शब्द को लिखना है, PARICHARTHI, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो शब्द यहाँ पर ये डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, और कई यहाँ पर आप ढूंढते ही रह जाएंगे और जल्दी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए कुर्तीदेव फॉन्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसकी जो डिमांड है वो एग्जाम में भी है।
तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं हिंदी टाइपिंग सीखने के लिए। आइए कृति दो फॉन्ट के साथ हिंदी टाइपिंग सीखते हैं। हिंदी के अक्षरों को बनाने के लिए सूत्र यहाँ पर आपको सारे सूत्र आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अभी चलिए एक एक करके हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन को बंद कर देना है। यहाँ पर जो ये बीच वाली जो लाइट है ये ऑफ होना चाहिए, ये जलना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर ये लाइट ऑन है तो आपको कैप्स लॉक बटन को प्रेस करना है, तो ये लाइट जब बंद हो जाएगी तो समझ जाइए आपका काम हो गया है। हम इसे यहाँ से सीधे क्लोज करते हैं। अब देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पर देखिए सारे फार्मूले आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर देखिए ये फार्मूले के ये जो की है, ये की को एक येलो कलर से इसे हाईलाइटेड कर दिया गया है, और यहाँ पर ये की को शो कर रहा है, की को इंडिकेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपको बड़ा आ लिखना है, तो आप अपने कीबोर्ड से वी बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो बड़ा आप आसानी से आप लिख सकते हैं। जैसे कि हम जैसे ही की से अपने कीबोर्ड से वी बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये टा लिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमारे कीबोर्ड में कैप्स लॉक ऑन है, तो हम क्या करेंगे कैप्स लॉक को ऑफ कर देंगे। इसके बाद फिर देखिए फिर वापस, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले ही आपसे ये बता दिया गया है कि सबसे पहले अपने कीबोर्ड से कैप्स लॉक बटन को बंद कर देना है। तो हमारे में ये लाइट जल रहा था, तो आपको क्या करना है कैप्स लॉक को बंद कर देना है। खैर कैप्स लॉक बंद हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, वी बटन को जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बड़ा आ लिखना है तो आपको क्या करना है, वी बटन को प्रेस करना है, इसके बाद फिर के बटन को प्रेस करना है। इस तरीके से जो है आप बड़ा आ को आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो प्लस है, ये प्लस कोई बटन नहीं है बल्कि ये उसी के साथ ऐड किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये एक हिसाब से ये सिंबल का काम कर रहा है, ये की का काम नहीं कर रहा है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आपको ये सब सारे अक्षर को बनाने के लिए आपको शॉर्टकट की मिल जाएंगे कीबोर्ड के, और देखिए इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा तभी आप इसे आसानी से सीख पाएंगे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं होता है। और देखिए ये जो फाइल है इसका पूरा एक पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप जाकर के आप इसे डाउनलोड करके और लर्न कर सकते हैं, उसे याद भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर खैर इससे जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ क्या क्या करना है। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर देखिए बड़ी आप बी प्रेस कर दीजिए, छोटी यहाँ पर आप देखिए छोटी को लिखना है तो आप बी को प्रेस कर दीजिए, छोटी लिख जाएगा। बड़ी को प्रेस करना है तो बी प्लस शिफ्ट प्लस जेड प्रेस कर दीजिए, बड़ी लिख सकते हैं। छोटाओ एम से बनेगा बड़ाओ, अल्टर प्लस 0 197 से बनेगा री। यहाँ पर फिर से एक बार आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप बड़ाओ को लिखना है तो अल्टर 0 197 को तो प्रेस करना ही करना है, लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए और इस वाले सेक्शन का यूज करना है, ना कि आपको इस वाले सेक्शन का यूज करना है, नहीं तो ये काम नहीं करेगा अगर आप अल्टर बटन को होल्ड रखते हुए और इसका यूज करते हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आपको री बनाना है तो शिफ्ट प्लस माइनस बटन को प्रेस कर दीजिए। अब देखिए ये माइनस बटन आपको ऊपर जो न्यूमेरिक सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर देखिए ये जीरो है, इसके बगल में आपको माइनस वाला बटन आपको दिख जाएगा। इसी तरीके से री को अगर आपको बनाना है तो शिफ्ट प्लस माइनस ए, यहाँ पर देखिए ये लेस देन आपको प्रेस कर देना है तो ये ए बन जाएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए लेस देन आप जैसे प्रेस करेंगे तो ये ए शब्द बन जाएगा, ए अक्षर बन जाएगा यहाँ पर। इसके बाद फिर देखिए आई बनाना है तो आप ये बटन प्रेस कर दीजिए, लेस देन प्लस एस, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इससे, और इससे प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो खैर देखिए अगर हम इसी तरीके से डिटेल में समझाना शुरू कर देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी चौड़ी हो जाएगी, और देखिए जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसे तो आप आसानी से समझ जाएंगे, बाकी जो कुछ चीज़ें हैं जो कि उसे अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि ऐसा है उसे सिर्फ याद कर लेने से काम नहीं चलने वाला है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आपको इसका लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं आपको इसका पीडीएफ भी दिखा देता हूँ, और यहाँ से आपको ये देख सकते हैं, इसी तरीके से फाइल आपको दिख जाएगी, और इसके ऊपर जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पीडीएफ खुल जाएगा, 8-9 पेज का है। आप इसे आसानी से आप लर्न कर सकते हैं इसी के थ्रू, और याद भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए तो कुछ और चीज़ें हैं इसे भी देख लेते हैं,
और यहाँ पर आप देखिए इतनी सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप चलिए कुछ शब्द लिख करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमें लिखना है राजू, तो हम क्या करेंगे, रा बड़ा मात्रा जा बड़ा की मात्रा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि इसी में से कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे कि हमें लिखना है यहाँ पर मान लेते हैं हमें लिखना है आई, तो मान लेते हैं हमें बड़ा बड़ा आ बनाने के लिए हमारे पास वी प्लस के है, तो हम वी प्लस के सॉरी वी प्लस के यहाँ पर ये हो गया बड़ा बन गया। अब हमें बड़ी ई बनाना है, तो बड़ी ई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बीप लिखेंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड रखेंगे और प्लस जेड को प्रेस कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से आप इस शब्दों को आसानी से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से ये काम करता है। अब चलिए कुछ मात्राएं हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर कोई भी अक्षर है उसका आधा अक्षर भी बनाने के लिए सारे सूत्र आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप आधा का लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप कोई शब्द आप लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें लिखना है पक्का, तो पा लिखने के लिए हम आई बटन को प्रेस करेंगे, आधा का लिखने के लिए शिफ्ट प्लस डी को प्रेस करेंगे, और इसके बाद फिर देखिए का पूरा लिखने के लिए आपके पास डी बटन है, तो डी को जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए आधा का लिख गया सॉरी पूरा का लिख गया। अब यहां पर देखिए हम के बटन को प्रेस कर देंगे तो हम पक्का पूरा, यहां पर देखिए पक्का शब्द आसानी से आप इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये कृति देव फॉन्ट का ये फार्मूला काम करता है। अब चलिए कुछ मात्राएं हैं उसके बारे में भी हम जानने का कोशिश करते हैं, सीख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करने लगेंगे, एक एक अक्षर के बारे में बात करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आप शिफ्ट के साथ 1 2 3 4 जब आप प्रेस करेंगे तो ये सब सारे सिंबल बनते चले जाएंगे कृति देव फॉन्ट में। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर दा के नीचे जो धा शब्द लगाया जाता है, इसी तरीके से शिफ्ट प्लस 0 प्रेस कर दीजिए, ये अक्षर बन जाएगा। विद्यालय वाला दा जो लिखा जाता है आप शिफ्ट के साथ ये वाला बटन प्रेस कर देंगे। अब देखिए ये बटन आपको कहाँ मिलेगा, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो कीबोर्ड लेआउट है, ये देखिए ये वाला बटन है, ध्यान रखिए ये वाला बटन, इस बटन को आप शिफ्ट के साथ प्रेस कर दीजिए तो आपको जो विद्यालय वाला जो दा है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमें लिखना है विद्यालय, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट के साथ इस बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद फिर के लिखेंगे, फिर वाई प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद फिर या लिखेंगे। या लिखने के लिए देखिए यहां पर आपको ये वाला बटन प्रेस करना है एल के जस्ट बगल में, यहां पर आप इसे देख सकते हैं, इस बटन को आप जैसे प्रेस करेंगे फिर आपका ये विद्यालय शब्द आपका लिख जाएगा। यहां से आप देखिए क्वेश्चन मार्क को भी लगा सकते हैं, क्या करना है बस इसी बटन को प्रेस करना है विदाउट शिफ्ट के साथ। इसी तरीके से ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इसे लिख सकते हैं। और देखिए फा के नीचे रा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है, यहाँ पर हम रा लगाना सीख अभी आगे सीख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चलिए छोड़िए अभी अभी हम इसे बाद में बात कर लेते हैं, अभी आगे हम इसे बाद में बात कर लेते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ मात्राओं को बनाने का सूत्र। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये बड़ा का मात्रा है, आपको बड़ा का मात्रा पहले ही आप जान चुके हैं, बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लेते हैं आपको आम शब्द लिखना है तो छोटा कैसे लिखेंगे, वी लिखेंगे, इसके बाद फिर के दिया गया है तो के प्रेस कर दीजिए, ई प्रेस कर दीजिए, आम शब्द लिख गया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा देखिए किसी भी शब्द के ऊपर अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, जैसे हमें सिम शब्द को लिखना है तो क्या करेंगे, छोटी की मात्रा लगाने के लिए F बटन को प्रेस करेंगे, F बटन प्रेस किए और L प्रेस करेंगे, इसके बाद E प्रेस कर देंगे, सिम शब्द लिख गए। इसी तरीके से फिर देखिए बड़ी की मात्रा लगाना है, और बड़ी की मात्रा लगाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी शब्द उठा लेते हैं, जैसे कि हमें नींबू लिखना है तो यू प्रेस करेंगे, बड़ी की मात्रा लगाने के लिए एच बटन को प्रेस कर देंगे, और इसके बाद फिर सी प्रेस कर देंगे, फिर डब्लू प्रेस कर देंगे, तो नींबू शब्द को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप छोटाऊ की मात्रा को कहीं पर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे भी लगा सकते हैं, जैसे कि हमें लिखना है पुराना ये शब्द लिखना है तो हमें क्या करना है, पा लिखना है, क्यों लिखना है, इसके बाद फिर रा
रा लिखने के लिए जे, इसके बाद फिर के बटन को प्रेस कर देंगे, फिर इसके बाद यू बटन को प्रेस कर दीजिए, इसके बाद फिर के बटन को प्रेस कर दीजिए, तो देखिए पुराना शब्द लिख चुका है। इसी तरीके से आप मात्रा को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आप बढ़ाओ की मात्रा किसी शब्द के ऊपर लगाना चाहते हैं, जैसे कि पा लिखना है, और इसके बाद फिर डब्लू बटन को प्रेस कर दीजिए, इसके बाद फिर जे बटन को प्रेस करिए, इसके बाद सी बटन को प्रेस करिए, यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा शब्द को आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ और शब्द है, सॉरी एक और मात्रा है, इसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि ए की मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर लगाना है, तो जैसे हमें लिखना है मेला, तो हम क्या करेंगे, ई बटन को प्रेस करेंगे, इसके बाद फिर यस बटन को प्रेस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर माँ के ऊपर ए की मात्रा लग चुका है, और वाई बटन को प्रेस कर देंगे, के बटन को प्रेस कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेला लिख जा चुका है। इसी तरीके से आप ए की मात्रा को आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। आई की मात्रा लगाना है, तो मान लेते हैं कि हमें लिखना है वैन, तो ओ बटन को प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ यस को प्रेस कर देंगे, यू प्रेस कर देंगे, वैन शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरीके से फिर और कोई कुछ चीज़ें हैं, देखिए इससे भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा है ना कि ये पहली बात तो इसमें बड़ा का मात्रा लगा करके और ओ की मात्रा लगाया गया। तो जैसे कि हमें कोई भी शब्द लिखना है, जैसे कि मान लेते हैं दोस्त लिखना है, तो हम क्या करेंगे, दा लिखेंगे, यन से बना देंगे इस शब्द को, इसके बाद फिर ओ की मात्रा बड़ा की मात्रा लगाएंगे, तो बड़ा की मात्रा लगाने के लिए के प्रेस करेंगे, इसके बाद फिर यस को प्रेस कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर दो लिख गया है। आप दो भी लिख सकते हैं, ये भी शब्द होता है, दोस्त भी लिख सकते हैं, शिफ्ट के साथ यल प्रेस कर देंगे, आर प्रेस कर देंगे, दोस्त शब्द लिख गया है। इसी तरीके से फिर आप ओ की मात्रा भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि आपको मौन शब्द को लिखना है, तो ई प्रेस करिए और के प्रेस करिए, इसके बाद शिफ्ट के साथ यस यू, इस तरीके से आप मौन शब्द को लिख सकते हैं। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आपको चंद्र बिंदी लगाना है, सॉरी ये अंक की बिंदी है, तो अंक की बिंदी लगाने के लिए आपको क्या करना है, वी प्रेस करना है, ए प्रेस करना है, और इसके बाद फिर एक्स प्रेस कर दीजिए, तो ये देखिए अंक शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर ए से आप अंक की बिंदी लगा सकते हैं, और देखिए कोई कहीं पर आपको चंद्र बिंदी लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि आपको चांद शब्द को लिखना है, तो यहाँ पर चा, इसके बाद फिर बड़ा का मात्रा लगाएंगे, इसके बाद फिर आपको अगर चंद्र बिंदी लगाना है, तो इसके लिए आपको अल्टर बटन को होल्ड रखना है और 0 1 6 1 प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदी बन गया है। आप इससे शब्द भी कोई बना सकते हैं, मान लेते हैं चांद लिखना है, तो चा पर बड़ा मात्रा लगा दीजिए, अल्टर 0 1 6 1 प्रेस कर दीजिए, और देखिए यहाँ पर चा की पर ऊपर यहाँ पर चंद्र की बिंदी लग चुकी है, और इसके बाद फिर एन प्रेस कर दीजिए, चांद शब्द आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर इसका क्या काम है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको प्रकार शब्द को लिखना है, तो पा के नीचे जो शब्द के नीचे जो रा लगता है वो यही चीज़ है, तो जैसे कि हमें लिखना है प्रकार, तो पा, फिर इसके बाद जेड बटन को प्रेस करेंगे, डी के आर, सॉरी रा मतलब जे बटन को प्रेस करेंगे, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकार शब्द को आप आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद फिर मान लेते हैं कि ये जो जैसे कि आपको बड़ी लिखना है, तो बड़ी को लिखने के लिए आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ जेड बटन को प्रेस करना है। पहले क्या करना है, आपको बी बटन को प्रेस करना है, आप बड़ी लिखने के लिए क्या करना है, अब शिफ्ट के साथ जेड बटन को प्रेस कर दीजिए, तो देखिए बड़ी लिख गया। आपको मान लेते हैं कि ईंट शब्द लिखना है, तो आप टा लिख दीजिए, शिफ्ट के साथ वी प्रेस कर दीजिए, टा शब्द आपके सामने लिख करके आ चुका है। अब देखिए नेक्स्ट और भी कुछ चीज़ें हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये जो जैसे ये होता क्या है कि जैसे किसी भी शब्द के नीचे मात्रा आपको लगाना है रा का, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि मान लेते हैं हमें पृथ्वी शब्द को लिखना है, तो पा लिखिए, इसके बाद फिर आपको उसी को आपको यहाँ से, और देखिए ये जो की है, जो ये वाली जो की है,
ये वाली की आपको कहाँ दिखेगा, चलिए बता देते हैं इसे भी कहाँ दिखेगा। एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, एक सेकंड, यहाँ पर ये देखिए, टैब के जस्ट ऊपर एक ये बटन है, इसी बटन को आपको प्रेस कर देना है, किसके साथ, शिफ्ट के साथ। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप इसे आसानी से देख सकते, लिख सकते हैं, यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ और इस बटन को प्रेस करेंगे, सॉरी शिफ्ट के साथ नहीं बल्कि ऐसे ही आपको प्रेस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मूले में भी इसी तरीके से बताया गया है। इसके बाद फिर आधा था प्रेस कर दीजिए, आधा था के लिए आपको शिफ्ट के साथ यफ प्रेस करना है, फिर वा लिख दीजिए, वा पर बड़ी मात्रा लगा दीजिए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, जैसे कि आपको ट्रक शब्द को लिखना है, तो ट्रक शब्द को लिखने के लिए जैसे वहाँ पर इसके नीचे इस तरीके से रा का यूज करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टा बना लेंगे, इसके बाद अल्टर 0170 लिखेंगे, तो देखिए टा के नीचे रा लग चुका है, और इसके बाद डी प्रेस कर देंगे, तो ट्रक शब्द यहाँ पर लिख चुका गया है। अब चलिए एक चीज़ और हम सीख लेते हैं, यहाँ पर वो क्या चीज़ है उसे भी सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो का है, का के नीचे रा लगा हुआ है, अगर आप अल्टर बटन के साथ, यहाँ पर आप अल्टर बटन के साथ 0216 प्रेस करते हैं, तो आप इस तरीके से आप का लिख सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा है ना कि हम जब प्रकार शब्द को लिख रहे थे, तो प्रकार शब्द को लिखने के लिए भी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पा के नीचे रा लगा हुआ है, जो कि जेड बटन को प्रेस करने से आप इसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चीज आप का के नीचे इस तरीके से डी लिखेंगे और जेड बटन को प्रेस करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर अप्लाई नहीं हो रहा है और ये क्लियर दिख नहीं रहा है। तो ऐसा होता है कि जो ये वाला जो मात्रा है, जो नीचे पा के नीचे जो रा लगता है, ये मात्रा सभी अक्षर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इसी तरीके से ये फा के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से ये नहीं अप्लाई होगा। मान लेते हैं कि हमें क्रम शब्द को लिखना है, तो का और इसके बाद जेड प्रेस करेंगे, फिर ई प्रेस करेंगे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा जितना अच्छा ये वाला लगेगा। यहाँ पर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि हम अल्टर 0221 प्रेस करके और फिर के प्रेस करेंगे, फ्राई शब्द को लिखना है, तो इस तरीके से ये अच्छा लगेगा, ना कि ये वाला अच्छा लगेगा जो इस तरीके से कई लोग यूज करते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और ये वाला क्लियर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। और देखिए ये PDF आपको जो मिल जाएगा वहाँ पर ये सारे रूल यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो कि छूट गया हो। अगर कुछ भी कंटेंट इसके अंदर छूट जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है, वहीं पर जवाब सवाल हो जाएगा, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो एक इसके लिए एक वीडियो बना करके हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से सारे फार्मूले दिए गए हैं, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं, और इसके जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आप सब कुछ देख करके और डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ PDF कहाँ है, ये आप देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तुरंत आपको डाउनलोड का एक लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ से कृतिदेव फॉन्ट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसी तरीके यहीं पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्त कंटेंट तो खैर हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब देखिए आपको सिर्फ ये वीडियो देखने से और ये PDF फाइल डाउनलोड करने से आपका काम नहीं होने वाला है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, आधे घंटे 15 मिनट 20 मिनट आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप बेहतरीन तरीके से आप इसे सीख पाएंगे। और यहाँ पर देखिए ये सब सारी चीज़ें जो कंटेंट है इसे आप एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, बल्कि इसे सीखने के लिए कम से कम आपको एक महीना तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, इसी तरीके के कंटेंट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा। अभी भी कोई राय है, कोई समस्या है, कोई विचार है तो कमेंट सेक्शन में रखिए, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।